Hello and welcome to my channel Math3 Design. Today I will discuss about the command revolve command. Basically दो प्रकार की हमारे revolve command होगी SolidWorks में, और जिसमें हमारी एक surface extension और दूसरी होगी हमारी solid revolve. Solid revolve command को हम यहाँ से choose करेंगे features menu में जाके, और surface वाले को यहाँ से. ओके, सो सबसे पहले हमें इसमें एक स्केच ड्रॉ करना होगा. हमने प्लेन चूज किया, एक फ्रंट प्लेन, क्लिक ऑन स्केच एंड ड्रॉ एक सेंटर लाइन पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन. अब क्या करना है हमें, सपोज हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, सॉरी सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. ये ड्रॉ कर लिया, कोई नहीं, हम डायमेंशन, चलो डायमेंशन में दे देते हैं. डायमेंशन 100. ओके, अब क्या करना है हमको, इसको ट्रिम कर देना हाफ पोर्शन. ओके, फीचर्स में जाने के बाद हम इसको रिवॉल्व करेंगे. ओके, ये हमारा फाइनल स्पेयर दिया. तो इसमें क्या हुआ है, हुआ क्या है, इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस क्लोज लूप के अकॉर्डिंग हमारा एक फुल्ली स्फीयर और सिमेट्रिक स्फीयर रेडी हो गया 360 डिग्री अलोंग, ये रिवॉल्व हुआ है. एज यू कैन सी 360 डिग्री. हम इसको घटाया बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे 180. प्रीव्यू में देख सकते हैं ये रहा 180. यहाँ पे हम इसको 360 भी रखेंगे. ओके, चलो हमें इसका वेरिफिकेशन करना है. वेरिफिकेशन मतलब ये सॉलिड है सरफेस. क्लिक ऑन दिस क्रॉस सेक्शनल व्यू एंड ओके. Here you can see ये solid ही है. Okay, now uncheck. अब क्या करना है हमने, अब हम surface के लिए draw करेंगे. Surface के लिए हम revolve command use करेंगे. सबसे पहले surface में जाना है, revolve line को choose करना है. उसके बाद ओके, स्केच को हम दोबारा से मॉडिफाई कर लेंगे ऐसे जाने के बाद. सरफेस रिवॉल्व अबाउट दिस राइट. फिर कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, सो हमने क्या करना है, इसको इसको चूज करना है और डिलीट. ओके, अब रिवॉल्व ऑटोमेटिकली इसने सेंटर ऑफ लाइन असाइन कर दिया, और रिवॉल्व इस सेंटर लाइन के अलोंग हुआ है. ओके, अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे क्रॉस सेक्शन व्यू से. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सरफेस है. अब हमें इसको, अब हमें थिकनेस इंक्रीज करें, तो उसके लिए ट्रिम नहीं करेंगे हम, एक्सटेंड भी नहीं करेंगे. एक थिक कमांड होती है, थिक या थिकन. सरफेस को सिलेक्ट करना है और थिकन दोनों साइड करना है, तो इसके लिए आउटर साइड करना है, इनर साइड करना है, तो इसके लिए आउटर साइड थिकनेस बढ़ानी है, तो इसके लिए, और सेंटर के अबाउट, रेफरेंस के अबाउट हमें थिकनेस इंक्रीज करनी है, तो इसके लिए तो हम थिकनेस 1 रखेंगे, 1 mm. ओके, देखो फाइनली हमारा बॉल रेडी है. बॉल कह सकते हैं आप इसको. ओके, अब
क्रॉस सेक्शन व्यू को अनचेक कर देना है और आप इसको सेव कर सकते हैं और डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैव अ गुड डे.